हम लोग तो पहले यही सोच रहे थे कि पहले YouTube फैमिली को बढ़ाएंगे, लेकिन पर यहाँ तो खुद की फैमिली बढ़ खुद की हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। गई। शिल्पी पप्पा बन रही है, जो भी दे उसको जल्दी जल्दी ले लेने का। फिर डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख दिया, बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लग गया, चक्कर इतने आते थे, वेट लॉस बहुत एकदम से होने लगा। बहुत मतलब 8 kg ऐसे करके मैंने वेट लूज कर दिया अपना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर न्यू स्पेशल ब्लॉग शो। आज फाइनली हम दोनों साथ में ब्लॉग में आ गए हैं। तो गाइज, आप लोग पूछ रहे थे ना इतने दिनों से कि भाभी जी नहीं आ रही हैं, आप अकेले आ रहे हैं, आपकी पार्टनर कहाँ है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ लाइए, एक साथ अच्छा लगते हैं दोनों। तो फाइनली आज हम लेकर आए हैं अपने पार्टनर को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं कमेंट पढ़ती थी कि आप लोग पूछते थे मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच इतना कंसर्न दिखाने के लिए। आप लोगों ने ये भी बोला था कि आप लोगों के बीच में सब ठीक तो है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल सब बढ़िया है हम लोगों के बीच में। और पिछले कुछ टाइम से मतलब हम लोगों ने इतना टफ टाइम कुछ मंथ बिताया ना कि क्या बताएं, बहुत टफ टाइम था वो, बहुत कुछ फेस किया है हमने। तो आज हम अपनी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन पल आपके साथ शेयर करने वाले हैं और सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या मतलब रीज़न था जो हम लोग इतने दिन तक ब्लॉग नहीं कर पाए। और शिल्पी ब्लॉग इसलिए भी नहीं कर पाती थी कि उस पीरियड में मतलब लास्ट 3 मंथ में ये यूट्यूब की तरफ देखने का क्या, ये तो मोबाइल छूने का इसको बिल्कुल, मतलब वो ऐसा टाइम था ना कि वीडियो मतलब बनाना तो दूर, मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी, बहुत चिढ़ होता था उन सब चीज़ों से। और मैं गलती से चला भी जाता था मोबाइल लेकर, तो इतना गुस्सा करती थी। मैं इनको बोलती थी मेरे सामने मत सुनिए या मत देखिए, अपना कान में लगाइए और फिर सुनिए। बहुत चिढ़ होता था उस टाइम पे, बहुत एक टफ टाइम बिताया है हमने। तो अब पहले से मेरी कंडीशन काफ़ी स्टेबल हुई है, तो हमने सोचा कि अब चलिए साथ ब्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ वो टाइम आ गया है कि हर कुछ शेयर किया जाए। ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन और हसीन पल हम आपके साथ शेयर करने वाले। और गाइज, आप लोगों को तो थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया कि हम लोग इस ब्लॉग को क्यों इतना स्पेशल स्पेशल बोल रहे हैं। फिर भी गाइज, हम लोग अपने मुँह से आप लोगों को बताएंगे, नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे मानोगे। बिल्कुल। जब भी हम लोग यहाँ से गए पीसी बार बनारस से, जब हम लोग घर को गए, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था कि आपके साथ, उस समय हम वीडियो कर भी रहे थे, फिर हम लोग यहाँ से पूरा सोच के गए थे कि आप लोग से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और ब्लॉगिंग रेगुलर करें। फिर वहाँ भी हम लोग काफ़ी उस पर मेहनत किए, अपना जाके सब सेटअप सोचा कि सब बनाए, मतलब कि प्रोफेशनल की तरह एक काम करना हम लोग शुरू करें। और हम लोग डेली ब्लॉग के लिए पूरा सेटअप कर लिए थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही ऐसा हुआ कि फिर अब बता दीजिए। तो गाइज, फाइनली हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये कि वी आर प्रेग्नेंट। और शिल्पी पप्पा बन रही है, सॉरी प्राण पप्पा, और शिल्पी मम्मी बन रही है, यंग मम्मा बन रही है। गाइज, बहुत खुशनुमा होता है जब भी आपको पता चलता है कि आप मतलब खुशनुमा, मतलब खुशी वाला भी होता है ना, और बहुत सारी मिक्स फीलिंग होती है कि समझ में नहीं आता है कि अब क्या खुश हुए, शौक हुए, क्या हुए। अभी आप लोगों को बताते हुए थोड़ा हम लोग इमोशनल मतलब फील कर रहे हैं। हम लोग पहले ही आपसे शेयर करना चाहते थे, पर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि, और मतलब 3 मंथ तो किसी को बताना भी नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत क्रिटिकल समय होता है उस हाँ, समय वो कंडीशन मतलब उस समय नहीं बता सकते हम लोग, क्या ऐसे भी शुरू में नहीं बताते हैं, और वो कंडीशन भी ऐसा नहीं होता है, 3 मंथ बाद ही आप बता सकते हैं, श्योर हैं कि हाँ चलो सब ठीक है उसके बाद। तो हुआ यूँ, कैसे कैसे बताइए, हुआ यूँ कि जब मैं गई, हम लोगों ने वो अपना यूट्यूब का काम शुरू किया अपना, फिर बहुत कुछ सोच रखा था, उसमें काम भी करने लगे थे। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बहुत थकान होने लगता था, किसी स्मेल से बहुत चिढ़ होती थी,
मैं कुछ भी बनाती थी तो खाने का मतलब खाना धीरे धीरे छोड़ती गई एकदम। तो हम लोगों को पहले पहले यही लगा कि वहाँ से आए हैं, बस हरासमेंट हाँ है, फिर काम हरासमेंट पे है। लग गए तो शायद हरासमेंट की वजह से तबीयत खराब हो रही है। तो फिर हमने जब एक दिन मैंने बनाया मंगलवार को, मैं बिना लहसुन प्याज का बनाती थी, तो बनाया वो खाना मुझे इतना टेस्टी लगा सब्जी, मैं उस दिन अच्छे से खाई। फिर लहसुन प्याज के स्मेल से तो इतनी चिढ़ होती थी कि क्या यूँ बताऊँ। लेकिन उस समय फिर हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, आपको नहीं, भी उस कोई समय आइडिया नहीं नहीं था। समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ, मतलब हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। हम लोग मतलब एकदम अनप्लान्ड, जो कहते हैं ना प्रेगनेंसी, वो है। हम लोगों का ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं था। हम लोग यही सोचे थे कि पहले यूट्यूब में, मेरा था कि मैं पहले यूट्यूब में और अभी अपना शादी करूँ का अच्छा। 2.5 साल ही तो हुआ था, ज़्यादा थोड़ी अभी ना कुछ हुआ ज़्यादा, था। वैसे तो लोग शादी के कुछ ही टाइम बाद से प्रेशर देना शुरू कर देते, पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या, कि कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं पूछना तो हुआ। शादी के मतलब 6 मंथ के बाद ही लोग शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, रिलेटिव। तो उस टाइम पे लोगों का प्रेशर भी बहुत हो गया था, जो फ़ोन करता था यही बात बोलता था, यहाँ थी तो मम्मी दिन भर, मतलब हर दिन उसका यही टॉपिक रहता था, मुझे बहुत बोलने वोलने लग जाती थी। फिर पता नहीं, वो टाइम ऐसा था कि कभी पता चलता था उसको प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो रहा है, उसको ये प्रॉब्लम हो गया, बेबी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए तो नहीं, इतना थोड़ा बहुत हम लोग को भी लगा था, लेकिन फिर भी हम सीरियस नहीं थे कि नहीं, हम लोगों ने इग्नोर किया। पर भगवान जी शायद सुन लिए, और तो भगवान जी जो भी दें उसको जल्दी जल्दी ले लेने का। तो फिर हुआ यूँ कि उसके बाद से जब मैं वहाँ, तो घर में मम्मी को पता चला, सासू माँ को, मैं कुछ अटपटा खा लेती थी तो मुझे अच्छा, हो जाता था वॉमिटिंग, और तो मम्मी बोलने वहाँ, लगती थी कि ये खुशखबरी है, खुशखबरी हाँ, वो है। पूरा अल्लाह करने लग जाती थी कि मतलब है ऐसा, गुड न्यूज़ है। तो हम लोगों ने सोचा चल मम्मी ऐसे फिर बोल रही हैं, लेकिन फिर जब मैं यहाँ फ़ोन की अपनी मम्मी को, तो वो सीधे बोलती है, ये फ़ोन करके बोले कि माँ देखिए ना ऐसे ऐसे हो रहा है, वोमिटिंग कर रही है और खाओ नहीं रही है, मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है इसको। अलार्म अब बहुत चिढ़ रही है। तो मम्मा सीधे बोलती है हर हर महादेव, वो उसी समय कंफर्म करती अनाउंसमेंट कि कर दी ऐसा उसी है समय। कुछ है। फिर हम लोगों ने मम्मा की बात को इग्नोर किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अपना एक टेस्ट करके श्योर हो जाते हैं कि क्या है या नहीं। तो फिर ये तो मैं किट लेकर आया मार्केट से, उसके और बाद मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मतलब टेस्ट करूं, लग रहा था पता नहीं, मतलब अजीब सी फीलिंग थी कि नहीं होगा अब तो मन दुखी भी हो हाँ, जाएगा, होगा तो और बाप रे मेरा तो क्या खास करके होगा। हमें बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। तो फिर सुबह को ये सोए नहीं थे, तो मैं गई वॉशरूम, फिर मैंने जब टेस्ट किया तो उसके बाद मतलब 2 पिंक लाइन उस पे आते हैं तो आए। फिर अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा मैं कितनी देर तक वॉशरूम में ही रही कि क्या कहूँ जाके। और मुझे खुद को समझने में बहुत टाइम लगा अंदर, मैं काफ़ी देर तक वहीं जब बैठ गई वहाँ वॉशरूम में। फिर मैं जब आई तो मैं सोची कि इनको थोड़ा सा वो करती हूँ, तो अब मैं इन्हें उठाई और पूरा मैं अपना फेस बना के गई थी सीरियस वाला मोड में। तो ये एकदम से उठ के बैठे, क्या हुआ, हम हाँ, कैसे, मैंने जब उठा तो बस यही यहीं से शुरू किया था, क्या हुआ, ये मेरा टेस्ट देख के वो हो गया टेस्ट कि क्या रिजल्ट हुआ क्या आया। मतलब। तो तो फिर मैं बोली ये करी नहीं, निगेटिव है। ओ शिट, ये पूरा एकदम दुखी हो गया कि बहुत बहुत मतलब दिल टूट गया है। क्या क्या आदमी सोच लेता है, एकदम खुश 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 हो गए थे हम मतलब लोग। चाहिए भी नहीं अभी, लेकिन चाहिए भी वैसा वाला हाँ, था। अब जब हो गया था तो मतलब लगा था कि हो गया, तो मन एकदम खुश था, फिर एकदम मन दुखी हो गया। अब तब ये कब मैं इनको दिखाई कि तब ऐसा फिर है, ये दिखाई। करे इसका क्या मतलब होता हाँ, तो है। मुझे समझ भी थोड़े ना तो आ रहा था। मैं बोली इसका मतलब है। फिर हम लोग सुबह, अब यही सोच रहे थे सबको कैसे बताएंगे क्या बताएंगे। फिर सुबह हुई तो सबको बताया, फिर दीदी को बताया ये, तो दीदी आई आइसक्रीम मिठाई वगैरह लेके। फिर ऐसे ऐसे शुरू और हुआ फिर जर्नी। मम्मी को पता चला जब फाइनली सिल्वी भी आकर बोली तो इतना खुश हो गई कि खूब झूमने ना। जस्ट बाद ये सब हुआ था तो मतलब मम्मी एकदम, हाँ भगवान जी मेरा सुन लिए। अब फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब फिर टेस्ट तो कर ही लिया था घर में, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। तो पहले तो शुरू में 1 मंथ तो ऐसे ही लग जाता है समझने में, मतलब 1 मंथ तो पता चलता ही नहीं है कि हाँ हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर हम लोग गए डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर यार इतनी, डॉक्टर को ना हर चीज़ डिटेल में बताना चाहिए, वो
गई मैं पहली बार तो मैं तो खुद ही मतलब समझ में एकदम नहीं आ डरी रही हुई थी। थी और कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा, इसको कुछ आइडिया भी नहीं था। हाँ तो मैं और बताई तो पूछा उन्होंने कि तुमने टेस्ट किया घर में, मैंने बोला हाँ दो पिंक लाइन आए। हाँ फिर वो कुछ नहीं बोली, मेडिसिन लिख दी और बोली कि होली में ज़्यादा उछल कूद मत करने लग जाना। फिर मैं अब सोच रही हूँ कि ये तो कुछ बोली ही नहीं कि हाँ श्योर है या नहीं है। तो फिर आए 15 दिन का ऐसे दवा लिखी थी, फिर खा के वो भूल आई थी। तो बाद में नेक्स्ट बार जब हम लोग गए तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो फिर उसमें और डॉक्टर की बात चली गई तो मैं थोड़ा सा बोल दूं कि मुझे ना वहाँ मुजफ्फरपुर के डॉक्टर हैं, मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाइम पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं देते, इतना भीड़ रहता है ना, एक पेशेंट को दूर से ही देखे पूछे हो गया, अच्छा से पूछे भी नहीं, और ये इतना मतलब डॉक्टर है ना, जब कंफ्यूज तक थे डिटेल कि में नहीं बताते तो संतुष्ट नहीं होती। और मुझे इस बात का भी चिढ़ था कि मुझे अंदर नहीं जाने देता, साथ में मैंने गार्ड से लड़ भी लिया था कि भाई ये क्या बात हुआ कि वाइफ के साथ मतलब जाने नहीं दे रहा है, अब तो इस मैं सब बाहर आती थी तो ये लोग पूछते थे क्या क्या हाँ, बोलूँ, और ये कुछ बताती नहीं तो थी मुझे डॉक्टर को। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी। फिर डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख दिया, बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लग गया, चक्कर इतने आते वेट थे लॉस बहुत एकदम से होने लगा। बहुत, मतलब 8 kg ऐसे करके मैंने वेट लूज कर दिया अपना। फिर जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे डॉक्टर के पास, तो वो बोली कि अब इससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे 4-5 दिन ऐसे लगातार हो जाते थे बिना नमक के, मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। सब्जी और चावल रोटी ये सब तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मली मैं हम लोग क्या नमकीन चावल जैसे पानी और चावल डाल के उसको गीला करके बनाते हैं वो खाती थी 4-5 दिन पे, वो भी हाँ वोमिटिंग हो जाता था। लिक्विड पे कभी नारियल पानी तो सत्तू ये कर करके मैंने कैसे कैसे वो 3 मंथ, ऐसा डॉक्टर बोली चलो 3 मंथ तो प्रॉब्लम रहेगा, पर चौथे मंथ भी यही हाल रहा। तब वहाँ सब बहुत वरीड होने लगे कि नहीं अब कंडीशन ख़राब हो रहा है, मतलब सही नहीं है ये चीज़। फिर यहाँ से मम्मा बोलने लगी कि बनारस आ जाओ, मम्मा भी अकेले रहती हैं उन, फिर वहाँ भी सब लोगों ने कहा कि नहीं अब जाना ज़रूरी है। क्योंकि वेट लॉस ज़्यादा हो रहा था हाँ डॉक्टर भी अब बोल चुकी थी और कि सब इससे बोला ज़्यादा कि नहीं होना थोड़ा चाहिए। हवा चेंज होगा, थोड़ा माहौल चेंज होगा, तो हाँ तो माहौल चेंज होने के बाद शायद कुछ फ़र्क पड़े, अच्छा लगेगा निकलने के बाद। तो फिर सब लोगों ने, वैसे मन किसी का भी नहीं था इस बार, मैं भी हर बार मम्मा के पास आ जाती थी बहुत खुशी के साथ, पर इस बार पता नहीं ऐसा इमोशनली मतलब ये हो रहा था ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर सबने डिसाइड किया कि चलो नहीं अभी जाना जाना ज़रूरी है वहाँ पे। तो जब यहाँ आने का प्लान होने लगा तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक बार डॉक्टर से विजिट कर लिया जाए कि हाँ जाना मतलब जर्नी करना सेफ रहेगा या नहीं रहे। तो जब हम वहाँ गए तो फिर उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे, हम दोनों के थे, जिसमें कि देखा जाता है कि माँ बच्चे बाप में को कुछ कोई है? प्रॉब्लम है तो जेनेटिक नहीं प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं आए बच्चे में माँ बाप से। तो फिर वो सब हुए तो सब सब भगवान जी नॉर्मल के पास है, था। सब नॉर्मल था। मैं इतनी वीक थी कि मुझे ना बहुत डर लगता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन भगवान के कृपा से ना सब बढ़िया था, सब अच्छा था। फिर हम लोग आए यहाँ, यहाँ पहले से मेरी मामा मामी रहते, तो उन मामी का पूरा प्रेगनेंसी डिलीवरी सब यहीं पे था हुआ। तो वो बोली कि हाँ डॉक्टर अच्छी हैं आ जाइए। तो फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ मिले डॉक्टर से, तो इनको बहुत संतुष्टि हाँ हुआ मुझे यहाँ बहुत डॉक्टर अच्छा से। लगा क्योंकि यहाँ पे टाइम देते हैं पेशेंट पे अच्छे से और पूछते हैं, हर एक चीज़ पूछते हैं, डिस्कस करते हैं सामने बैठा कर, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे साथ में जाने दिया जा रहा था, तो ये अच्छा लग रहा था। और हम लोग मतलब हम सैल्यूट करना चाहते हैं उन माओ को या जो प्रेगनेंसी से भी गुजर रही हैं या जो मतलब सभी लेडीज को कि कितनी मुश्किल से वो टफ टाइम गुजारते हैं, मतलब जेंट्स के बस की बात वो नहीं है, उतना कष्ट उतना पीड़ा। और अभी तो फिर भी ठीक है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन आज पहले का से टाइम जब पंद्रह हमारी बीस साल मम्मियाँ हाँ मम्मी लोग जब प्रेग्नेंट होती थी कैसे उस समय वो लोग झेलती इस थी। टाइम में ना मेंटली इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इनसे मुझे बहुत मिला है, बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से समझा है मुझे। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती थी कि मैं बहुत 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 लकी हूँ कि ये है मेरे और लाइफ बहुत में मुझे सुनाती थी समझने मुझे, वाले। बहुत पीड़ा झेला हूँ मैं मैं क्या करती मुझे लेकिन समझ नहीं मैं आता। देखता था यूट्यूब पे वीडियो या सब अपना लोग शेयर किए हुए थे ये कि लगभग सारे वीडियोस हाँ मूड देखते बहुत स्विंग होता है, मतलब तुरंत में हंस रही है, तुरंत में बोल, तुरंत में गुस्सा हो जा रही है, चिढ़ जा रही है, तुरंत रोने लग जाते थे, इनकी अच्छी एकदम बातें से बुरी लगती कुछ थी, समझ ही नहीं आता था कि क्या हो गया अचानक ये से अपना फोन देखते थे तो मुझे गुस्सा
लेकिन चलिए सब बढ़िया रहा और अभी भी गुजर वैसा गए। होता है, हाँ इनके साथ तो अभी भी ऐसा होता है, लेकिन अब कम अभी होता है, बहुत कम। पहले से ठीक है। शुरू के 3rd मंथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे तो अभी भी हैं पर पहले से काफ़ी। तो आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी बहुत ज़्यादा आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप मम्मी पापा बन चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस का मतलब जो सलाह है वो हमें बहुत हेल्प करेगी आगे। तो हम लोग तो पहले यही सोच रहे थे कि पहले यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएंगे, लेकिन पर यहाँ तो खुद की फैमिली बढ़ खुद की हमारी फैमिली बढ़ने गई। वाली है। तो गाइज प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, अब पहले से भी सपोर्ट करते थे पर अभी और ज़्यादा सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है हमें। तो चलिए, वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे हर रोज़ तो बात करनी है, और टच हम लोग एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। बाय।